हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी सुबह का बज रहा है 7:30। ये ब्रश कर ली और मैं अभी दातुन कर रहा हूँ, रत्न ज्योत का दातुन करता हूँ मैं। और अभी दातुन करने के बाद जा रहे हैं, इसका दांत जल्दी घिसेगा। तो चलिए अभी जा रहे हैं। अब सुबह का समय है क्योंकि धूप हो जाता है तो कोई काम नहीं हो पाता है ना, बहुत ज़्यादा आलसी लगता है धूप में। तो जा रहे हैं अभी कुछ काम करने और अभी कंटिन्यूज मतलब कि हम लोग का लाइफ स्टाइल ब्लॉग जो होता है वो आ नहीं पा रहा था, इधर उधर बिजी था शादी वादी की वजह से और ये भी नहीं बना पाती थी। तो चलिए अब से अब कंटिन्यूज ब्लॉग आएगा, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और चलिए आज की इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले दातुन कर लेते हैं, इसके बाद चलेंगे काम में। अरे देखिए, इधर बाबू को पता नहीं कहाँ पर मैना मिल गया। देखिए मैना, तो इसके लिए पिंजड़ा बनाया है, इधर गिरे थे इसके लिए। अरे छोटा था तो ये चलने नहीं सक रहा था तो लेके आया। ये बड़ा हो जाएगा, चलने से उड़ने सीखेगा, फिर छोड़ देना इसका। इसको फुल्की दिए है खाने को, ये खाता है फुल्की? क्या खाता है? कीड़ा मकोड़ा। दाना नहीं खाता यार, वही तो कृषि कीड़ा मकोड़ा खाता है। और गाइस फाइनली हम लोग दातुन कर लिए, अब जा रहे हैं ईंट ढोने के लिए। तो ये देखिए रहा साइकिल, और ये जो साइकिल है ये स्पेशल ईंट ढोने के लिए बनाया गया है, ये देखिए। तो ये चाचा लोगों को लेकर के आ रहा हूँ अभी। तो चलिए बाबू और मैं जा रहे हैं ईंट ढोने के लिए, क्योंकि क्या है ना, बरसात का दिन आ गया है तो ईंट ढोना हो गया है बहुत ज़रूरी। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को हमारे बाड़ी का हाल। ऐसे ये देखिए, इधर बाड़ी में आ गए हैं अभी, और इधर पूरा ऐसे लाइन से इधर पूरा वहाँ तक ईंट बिखरा पड़ा है। तो क्या है ना कि बरसात के दिनों में पौधा वगैरह लगाए थे तो इसको पौधा को घिरावा किए थे ईंट से, लेकिन गाय बैल खा करके पूरा ख़त्म कर दिए और पौधा पूरा मर गया। तो अभी अब बरसात का दिन आ गया है तो इसमें अब कुछ कुछ लगाना है, रहर या उड़दा वगैरह, तो इसको साफ़ करते हैं हल वल चलाने के लिए। चलिए और इसी साइकिल में ईंटा को भर करके ईंट को पहुंचाना है उधर। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं भी आ गई हूँ इनकी हेल्प करने। और ये ईंट, यहाँ का जो ईंट का टुकड़ा है ना, इसको उठा उठा कर साइकिल पे डाल रहे हैं। और ये देखिए ऑलरेडी ये भर चुके हैं आधा, तो मैं क्या हेल्प करूँ इनकी, ये अपना काम अकेले ही कर ले रहे हैं। तो दीजिए मैं भी हेल्प। अगले बार मैं कंधे से ढो रहा था ना तो मेरा ये जाम हो गया, तो भैया इसीलिए एक दिन ये अपने कंधे पर दोहे थे ना, और यहाँ पर इनका मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, मचक गया था ना, तो इसीलिए आज ये देखिए आप लोग देख सकते हैं साइकिल पे इस तरीके से दोते। अच्छा ये देखिए, अब इसको लेकर के जा रहे हैं नए घर के पास। गिरेगा तो नहीं ना, हेल्प कर दूं क्या? ये देखिए खतरा में चार आराम से। ये देखिए इसको नए घर के पास वहां पर रखेंगे क्योंकि काम आएगा ना। ओहो शिट, ये बस खाली करना है। गिर गया ये देखिए, पैर पे चोट तो नहीं लगी? ये देखिए दोस्तों, एक तो दो ईंट गिर गया, बच गया इनका पैर। यहीं पर उतार दीजिए ना, हेल्प कर देती हूँ। और गाइस अभी ये देखिए, एक साइकिल यहाँ पर भर करके ले आया ईंटा, और कुछ काज तो गिर रहा था यार बहुत, इधर देख रहे हैं क्या हाल हो गया। तो चलिए इसको फटाफट खाली करते हैं यहीं पर पेड़ के नीचे, क्योंकि ये जो वाला जो खेत है ना इसमें कुछ भी खेती वेती नहीं करते हैं, तो यहाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और गाइस काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली 3 राउंड पहुँचा चुका हूँ ईंट, और अब ख़त्म हो गया जो मतलब कि फुल साइज़ का ईंट था वो, और जो टूटा हुआ रहता है दो भाग का वो बनता नहीं है इस साइकिल में ऐसे इसमें ढोने में। तो चलिए अब चलते हैं घर, बाकी जो है छोटा छोटा उसको बोरी वरी से ढो करके हटाएंगे यहाँ से।
और गाइस काम वाम करके आ गया वापस घर पे, और अभी जा रहे हैं हम लोग बगीचा, आम तोड़ करके लाएंगे पका हुआ आम, क्योंकि अभी एक दो दिन बारिश हुआ है तो आम पका होगा और जामुन भी पका होगा, तो जा रहे हैं तोड़ने के लिए। और इसको देख रहे हैं मेरा फाड़ दे रहा है, इसको भी जाना है क्या तो? तू भी जाएगा? सुबह से आम देख गया है ना, हवा चल रहा है, हवा चल रहा है, पापा आम खाने जा रहे हैं, बहुत बदमाश हो गया। कहाँ जाएगा? आ रहा हूँ ना मैं। हाँ तो बाइक वाइक निकाल लिए हैं देखिए इधर, और जा रहे हैं अब। अरे डंडा पकड़ लिया हूँ, क्योंकि जहाँ पर चढ़ नहीं पाएंगे उसको इस डंडा से मार करके तोड़ेंगे, और ज़्यादा खतरनाक पेड़ में भी चढ़ना ठीक बात नहीं होता है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बगीचा में, इधर आम ही आम का पेड़, और हमारे सांसद कौन आए आम खाने, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इधर बहुत सारे बंदर आए हैं आम खाने के लिए, देखिए इतने सारे बंदर हैं कि डर के मारे उधर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है भैया कि जा कर के तोड़े उधर आम वगैरह। देख रहे हैं बहुत सारे बंदर आए हुए हैं, हमारा हिम्मत नहीं हो रहा है भैया, लेकिन महिला लोग को देखिए गुलेल से मार मार के बंदरों को भगा रहे हैं, इन लोग का इतना हिम्मत भाई साहब, हम लोग तो डर के मारे आ नहीं रहे थे, लेकिन इन लोग को देख करके आ गए हैं इधर। और उधर देखिए बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं। तो गाइस यार हम लोग आए थे अभी हम बगीचा में आम तोड़ने के लिए, और आप सभी को पता होगा कि इस साल ज़्यादा आम हुआ नहीं है, तो इक्का दुक्का किसी किसी पेड़ में था, तो इतने सारे बंदर आ करके पूरा खा गए आम को, मिला नहीं हम लोगों को आम सर्च कर खोजने पर भी। और इधर देखो मेरा बाइक खड़ा है, और बुरी तरीके से मेरा बाइक को घेर लिए हैं भैया, यहाँ से कैसे निकला जाए समझ नहीं आ रहा। और इधर बहुत सारे बंदर देख रहे हैं, अभी बाइक में चढ़ गए थे अभी उतर के भाग रहे हैं। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं। ये देख, अरे बाप रे पेड़ है, ये 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 और इधर बैठे हैं पेड़ में, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो भैया इन लोग से दूर रहे तो ही भला है, इन लोग से दूर रहे तो ही भला है। देखिए ये देखिए इधर पेड़ के टीप में बैठा हुआ है, और एक ठो आम गिराया मेरे लिए, और गिराओ एक ठो। ये देखो भाग रहा है इधर, अब भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। और गाइस अभी हम लोग आए हैं आम और जामुन खाने के लिए, ये देखिए एकदम फ्रेश जामुन, लेकिन हुआ क्या कि जामुन वामुन सबको इधर उधर हिला डुला के सब पूरा नीचे गिरा दिए हैं, क्योंकि इस साल जामुन भी अच्छी तरीके से नहीं फंसा था। कैसे बाबा क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर बताइए। न तो आम मिला न जामुन मिला, तो जा रहे हैं हाथ भर धो करके घर। चलिए अभी घर चलते हैं, इसके बाद दूसरे जगह जाएंगे जामुन लेने के लिए, क्योंकि अभी जामुन का सीजन है और जामुन खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तो दो चार खाए हैं जामुन। ये देखो ये लोग अभी आ रहे हैं आधे रास्ते में हम लोगों को रोक के, देखो जाने से कोई फायदा नहीं है, 50 तो बंदर आया है बेटा, 50 50 50, न तो जामुन मिलेगा और ना ही जामुन मिलेगा और ना ही आम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भैया। बाइक यहाँ पर खड़ा कर दिए, और इसमें तो कुछ है नहीं, लो लो बेसब्री से जामुन का इंतजार कर रही थी। आम कहाँ है? आम भी है जामुन भी है, झोला खाली। वहाँ पर आ गया था यार बहुत सारा बंदर।
मेरे रिश्तेदार हैं। और क्या एक तो आम को क्या करने के लिए लेकर आए हैं? उसको चटनी बनाना है, अब एक ही मिला तो क्या करें। तो सारे बंदर आए हैं वहाँ पे? 50-60 बंदर हैं। तो अरे देखो ना, अरे हमारा बंदर इधर। और गाइस आम लेकर के आने के बाद न सो गया था, और अभी फाइनली आने के बाद मतलब लाया नहीं था, नहीं लाया था, ले ले पकड़, सो गया था। और अभी फाइनली नहा धो करके रेडी हो गया, और फोन में नोटिफिकेशन आया था कि 1 बजे बारिश की संभावना है। तो अभी 3:20 हो रहा है, और अभी तूफान स्टार्ट हो रहा है हमारे साइड में। ये देखिए इधर बड़े बड़े पेड़ पौधे, हवा चल रहा है, इधर देख रहे हैं अभी बारिश होने की संभावना हो सकती है। इधर लेट में आ रहा है, पहली बार हवा आ रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत गर्मी लग रहा था। और गाइस अभी शाम का समय हो गया है, 4 बजने को चला, और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से जामुन तोड़ने के लिए। और अभी ये देखिए लंबा वाला डंडा पकड़ लिए हैं, अगर पेड़ पे चढ़ नहीं पाएंगे तो इसी डंडा से ही ला करके गिराएंगे जामुन को। हर बीच पैसे नहीं रहे, ये देखिए इधर इतना सा थोड़ा सा जामुन, चलो। तो गाइस तोड़ लिए थोड़ा बहुत जामुन, इसमें है कम से कम होगा 2.5 किलो, 2.5 किलो नहीं मतलब 250 ग्राम। तो चलिए अब चलते हैं घर। अजीब हो गया नीला जामुन खा के, और अभी भी मेरी वाइफ मेरे को शक की नजरिए से देख रही है कि जामुन लाए कि नहीं लाए, वो ऐसे करके झोला खाली ही दिख रहा है। आपके जाने का कोई मतलब ना यार, थोड़ा सा है इसमें। आप पता है आपकी गलती क्या है? आप झोला लेकर के जाते हैं, ज्यादा मिलेगा सोच करके, कुछ नहीं मिलेगा सोच करके जाते ना, तो आपको जरूर मिलता। अच्छा तो क्या, ये मेरा ज्ञान है। इसको डालो, अरे एक तो प्लेट ले आओ। लाल जामुन, लाल लाल काला काला, काला। कोई सा फूट गया है, पेड़ पे कौन चढ़ा था? चढ़ा नहीं था, इसको डंडा से हिला रहे थे और ये गिर रहा था। उसका बीज जामुन से सर्दी नहीं बढ़े, उसका बीज को निकाल के मुंह में डाल दो। नहीं दूंगी, मजा दे बेटा, पका कर दे ही। उसका बीजा निकाल के मुंह में डाल देना। और गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग चिरन भाई के घर में, क्योंकि चिरन का छोटा भाई को शादी हो रहा है, तो जा रहे हैं अभी उनके घर में। कैसे चाचा? हाँ बढ़िया, आपकी चाचा के छोटे बेटे का शादी हो रहा है, तो अभी फुल एंजॉय करेंगे हम लोग। चाचा से कुछ पूछ लीजिए कि आज क्या डीजे लगाएंगे। हाँ डीजे डीजे डीजे, थोड़ा नाचे गाएंगे अपना। अच्छा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ना चाचा? चलेगा पूरा चाचा का। लाइट खराब हो गया है, लाइट अभी बन रहा है उधर, इसके बाद भी यहाँ पर नाचेंगे। बढ़ गया लाइट, लाइट लाइट बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, चलो। ये देखो भैया इधर मंडप मंडप लगा हुआ है, लगाओ यार गाना वाना लगाओ तो।